गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। मतलब इस मेथड में अपन किसी मिक्सर को मैक्सिमम प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोसेस यूज करेंगे जिसके थ्रू मिक्सर को अपन सॉल्यूट सॉल्वेंट और को सेपरेट कर लेंगे अपन। इसके लिए क्या करना है अपने को, जो इस प्रोसेस में किसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सर। साल्ट और सैंड के मिक्सर को अपने को सेपरेट करना है। इसके लिए अपने को जो प्रोसेस यूज में लेंगे वो सेंडिमेंशन भी लेंगे, डिकेंशन, एवोपरेशन एंड कंडेंशन। तो इसमें चार प्रोसेस का यूज अपन करेंगे, फोर प्रोसेस का यूज, जिससे कि अपन सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए अपने को क्या करना है, वी कैन सेपरेट साल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेंडिमेंशन, डिकेंशन, एवोपरेशन एंड कंडेंशन। इन फोर प्रोसेस का यूज करेंगे। सेंडिमेंशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे अपन, मिक्सर को थोड़े से टाइम के लिए स्टैंड बाई मोड में आने देंगे, तो आप देखेंगे सॉइल बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाती है। डिकेंशन प्रोसेस से अपन वाटर को सेपरेट कर लेंगे, एवोपरेशन से वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे हीट प्रोवाइड करके, फिर कूल कर लेंगे। इस तरह से अपन क्या करेंगे, सैंड और साल्ट के मिक्सर को अपन सेपरेट कर लेंगे। देखिए, टेक ए मिक्सर ऑफ सैंड एंड साल्ट, आपको मिक्सर लेना है सैंड और साल्ट का, इन ए बीकर, बीकर में लिया, एंड एड सम वाटर टू इट, और आपको उसमें कुछ अमाउंट वाटर का आपने उसमें मिक्स कर दिया। द साल्ट विल डिजोल्व इन वाटर, साल्ट तो उसमें डिजोल्व हो जाता है लेकिन सॉइल है जो सैंड है वो उसमें डिजोल्व नहीं होती। लीव द बीकर एसाइड फ्रॉम सम टाइम, आपको कुछ टाइम के लिए बीकर को स्टैंड बाई मोड में रख देना है। सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, सैंड क्या होगी, धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाएगी। सेपरेट सैंड बाई यूजिंग मेथड डिकेंशन, डिकेंशन मेथड से आप क्या कर देंगे, सैंड को सेपरेट कर देंगे, मीन्स है उसको फिल्टर कर लेंगे अपन फिल्टर पेपर की हेल्प से। नाउ हीट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, अब क्या करेंगे, उस मिक्सचर को आप हीट अप करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, वाटर एवोपरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, इसको एवोपरेशन कहेंगे अपन। When water start boiling or evaporation, we can collect it through condensation process. We अपन क्या करेंगे, फिर उस वाटर को कूल करेंगे और कंडेंसेशन प्रोसेस से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। द साल्ट विल रिमेन बिहाइंड इन द बीकर, और साल्ट हो जाएगा बीकर में बच जाएगा। तो अपन ने सैंड को भी सेपरेट कर लिया फिल्ट्रेशन से, डिकेंशन प्रोसेस से, और अपने पास जो साल्ट भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया बीकर में। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि बहुत सारी अपने फोर टाइप की प्रोसेस यूज की, सेंडिमेंशन, डिकेंशन, इसको फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, एवोपरेशन और कंडेंसेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, जिसमें अपन सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।